ब्लॉक के आरे कॉलोनी के जिमखाना में प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट की सभा का एक आयोजन हुआ, जिसमें ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष नामदेव जिंगारे और उनकी धर्म पत्नी संगीता जिंगारे के साथ साथ ट्रस्ट के सलाहकार रूतन केरकर सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया और नई महत्वाकांक्षी योजना एक पाउल कूढ़े के बारे में जानकारी दी। वैसे प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 12 सालों से कई तरह के सामाजिक कार्य करता आया है, मगर 2020 के शुरुआत में एक नई योजना लाने का प्रयास किया है। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। किसी गरीब के घर में बेटी की शादी होगी,
अगर हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा तो ये खर्चा हम उसी में दे सकते हैं। अगर मैंने 1 रुपया दिया है तो 1 रुपया मैं रिटर्न लेने के लिए या बैज मांगने मैं जाऊँगा नहीं। इस माध्यम से गरीबों को तक हम पहुँच सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं, ऐसा हमारा इस संकल्प से हम ये चाहते हैं। इसके साथ ही हमने महिलाओं में विकास लाने की एक योजना लाई है, विकास नव उद्योजकांचल, जिसमें हम महिला को उद्योग में लाने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे साथ एक 2-4 NGOs हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये NGO उनको ट्रेनिंग देते हैं, 1 लाख रुपये तक का अनुदान देती है, उनका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए वो खुद उनको हेल्प करती है। इसमें हमें ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ प्रधानमंत्री जी वो हमको इसमें ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से विवेक अग्रवाल जी हमको इसमें बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि इस संस्था की नींव उनके माध्यम से डाली गई। हमारे साथ गौतम जी केकर है, प्रशांत माड़ी जी है, सावधी भाई है, मनीष जी है, जीन भाई जी है, तो सारे लोग हमारे साथ है और ये मेरी ताकत है। और इस ताकत के माध्यम से संस्था को और आगे आसमान की बुलंदी तक ले जाना चाहता हूँ। और आप इन सबका आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर भगवान से गुजारिश करूँगा कि ये संकल्पना जल्द से जल्द पूरी हो जाए। सावजी भाई वालजी भाई साहब कच्छ, कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि इनकी सोच बहुत ऊँची है जी, एक कदम प्रगति की हो। बिल्कुल, हमने हमेशा पढ़ा है जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, ये लोग ये कार्यक्रम को आगे लेके जाना चाहते हैं जी। तो हर कार्यक्रम में इन लोगों का एक गैर है कि किसी ना किसी का भला हो, और डोनेशन भी हम लोग ज़्यादा नहीं मानते, किसी से सिर्फ 1 रुपया, एक आदमी से सिर्फ 1 रुपया डोनेशन लेना है। क्योंकि गाना था बड़ी से बड़ी के लिए जल्दी बने, इनका ये मोटिवेशन है कि लोगों तक हमारा डोनेशन हमारे पास आ रहा है। लोग 1 रुपये के लिए नहीं जाते, लोगों तक जाते हैं। जैसे लड़की लोग को जो अनाथ है, जो खेती है, किसान है, आज खाना हम लोग खाते थे, कहाँ से खाना था हमें पता नहीं है, किसान को कितनी मेहनत करते हमें पता नहीं है, किसान आत्महत्या क्यों करता है, उसके ऊपर कर्जा हो जाता है बहुत सारा, उसके ऊपर टेंशन हो जाता है। और लड़की के शादी के समय उनको जो दहेज देना पड़ता है वो प्रथा बंद हो गई, लेकिन उसके पेपर पर बंद हुई है। तो इन्होंने बताया है कि लड़की को शादी के लिए भी 1 लाख रुपये लोग बिना ब्याज के, अगर उनकी शक्ति देगी तो वापस देंगे तो भी ठीक है, रिटर्न नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। इस संस्था को आगे हम बढ़ाना चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि संस्था आगे बढ़ेगी तो किसी कई महिला को काम भी मिलेगा, और जो महिला गृह उद्योग चल रहा है उनको भी लोग सपोर्ट करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ इनको और हमारे संगीता ताई को, थैंक यू वेरी मच, आप आगे बढ़ो, प्रगति की ओर बढ़ो, थैंक यू वेरी मच। मैं कार्यक्रम में आया था, बहुत कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और जो हमारे नामदेव भाई ने जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है वो मुझे लगता है कि आगे जाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये हमारे समाज के लिए है, क्योंकि हम कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं। और जो रामदेव भाई ने जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट चालू किया है वो लोगों की भलाई के लिए ही किया है, ना कि अपने फायदे के लिए। और अपना आप मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट में, तो मैं ये दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन करें।